आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ अपने बारे में। मैं मेरे ब्लॉग का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखूँगा। मेरे ब्लॉग पे जो भी पोस्ट किए हैं वो सब इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के स्टॉक के रिलेटेड है। आज हम बात करने जा रहे हैं टाटा मोटर्स के बारे में। ये मेरा ब्लॉग है, मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ पिछले 2 सालों से। तो ये ब्लॉग पे मैंने 26 अक्टूबर 2019 में टाटा मोटर्स का चार्ट पोस्ट किया था और उसमें लेवल्स भी दिए थे। तो आप ये देख सकते हो, जैसे कि ये तभी करंट मार्केट प्राइस था 126.85, ठीक है। और इसमें मैंने बोला था कि बेस्ट टू बाई इन बिटवीन 120 से लेकर 100 लेवल्स के बीच में। ये लेवल आप याद रखिए, जब भी मैं ये लेवल बोलता हूँ तो ये लेवल मीन्स जिसको इन्वेस्ट करना है या तो ट्रेड करना है उसके लिए। ट्रेडर जो हमेशा पुल बैक बाउंस बैक पे जो ट्रेड करते हैं वो उनका लेवल अलग होता है। ये इन्वेस्टर के लिए है जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के बीच में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो वो ये उसके लिए था 120 से लेकर 100 के बीच में। और हमेशा याद रखिए, मेरा ब्लॉग पे अगर विजिट करते हो तो डिस्क्लेमर लिखा हुआ है, उसमें ऊपर लिंक है, वो डिस्क्लेमर ज़रूर देख लीजिए। जो भी मैं चार्ट पोस्ट करता हूँ वो जो भी चार्ट है वो सब सब एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसमें कोई बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये चार्ट का पोस्ट मैं नीचे लिंक करूंगा। तब मैंने रजिस्ट्रेशन भी दिया था, सेकेंड रजिस्ट्रेशन भी दिया था, दो रजिस्ट्रेशन दिए थे। और उसके बाद मैंने अपडेट किया, ऑल्दो मेरे प्राइस में आया नहीं है, पर उसमें कुछ क्वेरीज आ रहे थे कि जिसके पास है वो क्या करे। तो मैं रिसेंटली दिसंबर में, देखो आप ये देखिए, 4 दिसंबर को 165 और क्लोज 170 के ऊपर, जो 1 या 2 दिन दिया तो 185 से लेकर 90 के बीच में जाएगा। और रिसेंटली टाटा मोटर्स ने लगभग उस तरफ ट्रेड टच किया था। तो अभी मैं चार्ट दिखाता हूँ आपको वो कौन से बेसिस पे और कैसे दिया था। वैसे भी मैंने चार्ट पोस्ट किया था, चार्ट पोस्ट करता हूँ और ये जो अभी चार्ट आपके सामने ड्रॉ करूँगा, दोनों में डिफरेंस है। चार्ट आपके सामने ड्रॉ करूँगा तो जिसको पता नहीं है वो शायद कुछ उनको पता चले, तो ये उसके लिए है। तब ये देखिए, यहाँ पर ये डेली चार्ट है। जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, डेली वीकली मंथली, जितना लंबा टाइम फ्रेम उतना ज़्यादा कन्फर्मेशन कि आपको किस डायरेक्शन में जा रहा है। तब ये देख लो, ये है फ्लैग ब्रेकआउट। ये फ्लैग ब्रेकआउट का अब अगर ये बॉटम से लेकर टॉप देखोगे तो ऑलमोस्ट 65 का आसपास टारगेट होना चाहिए। कहाँ पे? यहाँ पे मैं जूम करता हूँ और दिखाता हूँ 65 कहाँ से कैलकुलेट करते। यहाँ से तो ऑलमोस्ट 225 से लेकर 230 के बीच में ये जाना चाहिए टारगेट एज पर। बट इंडिकेटर्स जो मैं यूज़ करता हूँ वो इंडिकेटर्स मुझे ऐसा लग रहे टायर्ड हो गए, तो अभी डायरेक्ट आपको ऊपर की तरफ नहीं मिलेगा, शायद नीचे की तरफ आ सके शायद, बट आने वाले दिनों में समझेगा। अगर किसी को ट्रेड करना है या तो किसी को लेना है तो आप अभी, मैं वापस से बाई या सेल नहीं, बट पॉसिबिलिटी है अगर 227 का टारगेट जाना है तो मैं एरो ड्रा कर रहा हूँ। अब देख रहा हूँ ये फ्लैग के जो फ्लैग है ये टॉप पे आने के बाद फिर बाउंस किया तो ही ये 225-270 के बीच में जाएगा। मैं फिर से एरो ड्रॉ करूँ, आप देखिए ऊपर की तरफ। जब तक ये बाउंस बैक नहीं दिया तो आप वेट कीजिए। बाउंस होने का मतलब आप याद रखिए, हमेशा फॉल्स ब्रेकडाउन होता है। तो फॉल्स ब्रेकडाउन अगर जब भी आप ट्रेड करते हो तो एग्जैक्टली ब्रेकआउट के ऊपर का लेवल से आप स्टॉप लॉस मत रखिए, थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस रखिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर ट्रेड करते हो, ठीक है, तो एज एन ट्रेडर मैं एक ट्रेंड लाइन फिर से ड्रॉ करूंगा। ये देखो, ये दिख रहा है, देखो ये दिख रहा है, ये होगा 146, मतलब 140 से लेकर 45 के बीच में, डेली वीकली नहीं, अगर ट्रेड करना है तो, नहीं तो अवॉइड कीजिए। ये देखो, ये पूरा फ्लैग हो गया। तो अभी आने वाले दिनों में अगर ये सब सक्सेसफुल होता है तो फ्लैग ब्रेकआउट का जो पैटर्न है, पैटर्न के हिसाब से वो 225 से लेके 230 या तो 220 से लेके 230 के बीच में होना चाहिए क्लोज। बट अभी इसमें रेजिस्टेंस काफ़ी है, मैं आपको आगे रेजिस्टेंस दिखाता हूँ। अभी ये हो गया डेली टाइम फ्रेम जिसमें आपको फ्लैग ब्रेकआउट बता दिया, पुल बैक बता दिया, और वापस से अगर ऊपर रेजिस्टेंस की तरफ जाएगा तो कब जाएगा, कैसे जाएगा, मीन्स कौन से लेवल तक जा सकता है। अब मैं इसको वीकली में कनेक्ट करता हूँ। अभी ये 1 वीक पे मैंने क्लिक किया, अब देख सकते हो वहाँ पे ये जो ऊपर लाइन दिख रहा है आपको, ये लाइन अभी मैं बताऊँगा मैं किस हिस कैसे ड्रॉ किया, मीन्स कैसे ड्रॉ किया, मीन्स कितने कनेक्ट किया। जैसे मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कनेक्ट द डॉट्स,
कनेक्ट द डॉट्स या कैंडल, अब जो समझो। तो ये दिख रहा है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसीलिए जब मुझे किसी ने पूछा था 200 के ऊपर जाएगा कि नहीं, मैंने बोला आई हैव टू चेक अगेन। तो ये रीज़न है उसका चेक करने का। अगर मैं मंथली कर दूंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए, वीकली में थोड़ा ठीक है। चलो वीकली करता हूँ फिलहाल, मंथली उसके बाद जाएंगे। दिख रहे आपको ये वीकली टॉप, अभी आप देखिए वीकली टॉप है ये। वीकली टॉप मतलब हमेशा याद रखिए पूरा वीक क्लोज होना चाहिए ना, एक या दो दिन नहीं, पूरा वीक। तो वीकली टॉप फर्स्ट, वीकली टॉप टू, वीकली टॉप थ्री, वीकली टॉप। अभी जब मैंने जो एरो किया है, दिख रहा है आपको, पहले जो डेली में था वो कैसे कनेक्ट हो रहा है, ये वीकली में कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। तो ये वीकली में कनेक्ट होगा ये। तो 227 एज़ फॉर इतना ईजी नहीं है, 227 जो फ्लैग का ब्रेकआउट है। तो हमेशा अब याद रखिए, जैसे कि मैंने पहले बोला था आपको, अगर ब्रेकआउट देता है तो ब्रेकआउट होने के बाद टारगेट हमेशा मीट होना कंपलसरी नहीं है। आप रेजिस्टेंस देखते रहिए, रेजिस्टेंस देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कभी आपको एग्जिट होना है या कैसा होना है। तो फिर से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ आपको, ये वीकली बेसिस है, ये होगा ब्रेकआउट मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी सिर्फ दो ही डॉट कनेक्ट हुए, तीसरा डॉट कनेक्ट नहीं हुआ है। तो वीकली बेसिस पे जो ये एरो दिख रहा है आपको, मैं एरो का भी फिलहाल पिंक कर रहा हूँ, शायद और क्लियर हो गया रहेगा, जूम कर देता हूँ मैं। वीकली ब्रेकआउट का रेजिस्टेंस है अच्छा खासा, 200 से लेके 205 के बीच में। तो अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर हो या आपको कुछ पोजीशन लेना है तो ये रेजिस्टेंस आप ज़रूर देखिए। ट्रेडर हो तो भी, अगर डेली में आप जो भी ये नीचे की तरफ लेते हो ना, जो फ्लैग के बेस पे, तो ये आपको एग्जिट पॉइंट होना चाहिए अनटिल अनलेस ये अच्छे से ब्रेकआउट दिया या नहीं दिया। तो ये हो गया डेली और ये हो गया वीकली। आप लेवल्स याद रख लीजिए, अब मैं मंथली भी लेके चलता हूँ। ये हो गया मंथली इसके। अब मंथली देखिए और एक पैटर्न बन रहा है, बट अभी काफ़ी दूर है पैटर्न बनने के लिए। ये पैटर्न बना नहीं है इसलिए मैं कंफर्मेशन नहीं बोल सकता हूँ, जब तक ये पैटर्न बनेगा नहीं तब तक कुछ बोल नहीं सकते। बट ये पॉसिबिलिटी हो सकता है, मैं आपको एक रफ चांसेस बता देता हूँ कि ये क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। अभी एक मिनट मैं आपको ड्रॉ करता हूँ, बेयर विथ मी। ये देखो ये मंथली हो गया, ये बेस। तो जैसे मैं इसके पहले भी आपको बताया था कि अगर आपको लॉन्ग टर्म प्ले या तो आपको जो स्टॉक्स में लेके स्टॉक में आराम, मतलब इन द सेंस आराम, मतलब ज़्यादा न्यूज़ फॉलो नहीं करना है आपको, वो जो मल्टीपल मतलब मंथली बेस जो स्ट्रांग होता है उसमें आप आराम से ले सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, ट्रेड या तो मीडियम टर्म या तो जैसा आप ठीक लगे वैसा। तो क्या ये मंथली बेसिस पे फॉर्म हुआ था, ठीक है। तो ये रहा टाटा मोटर्स, इसमें मैं आपको डेली वीकली मंथली। थैंक यू।